Bismillahirrahmanirrahim. आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब, हमारे जितने भी यहाँ पे मौजूद हमारे रियल स्टेट पार्टनर्स खवातीनों हजरात, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की गहराइयों से आज जितने भी हमारे दोस्तों ने गाड़ियां जीती हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि इतनी माशाल्लाह गाड़ियां जो है वो, इसके बाद हमें लगता है कि ये दो तीन शोरूम्स तो हमें यहाँ पे बनाने ही पड़ेंगे, एक ऑडी का और एक मर्सिडीज का। और मेरे ख्याल में ऑडी वालों की बाकी नॉर्मल सेल्स कम है और सिर्फ पार्कियो की सेल्स ज्यादा है। ऑडी से कोई आए हुए हैं साहब? मेरे ख्याल में कहाँ पे हैं? उधर है तो भाई, एक इधर ही बना दो, आसानी रहेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में अब तक शायद हम 15-20 गाड़ियां जो हैं वो इनाम के तौर पे दे चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में सैकड़ों की तादाद में हमारी जो गाड़ियां हैं वो इंशाल्लाह दी जाएंगी। यहाँ से एक कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है कि हमने जब किसी चीज के ऊपर जाके हम मेहनत करते हैं तो उसके बाद जब उसका रिवॉर्ड आता है तो उसका अपना ही एक मजा है। ये जो दोस्त उठ के जा रहे हैं ये एहतजाजी तौर पे नहीं जा रहे, ये अपनी गाड़ियों के पास जा रहे हैं। हमने तो चूंकि सियासत में है ना, कई दफा ये भी देखते हैं लोग एहतजाज के तौर पर चले जाते हैं उठ के, पर ये अपनी कार की मोहब्बत में जा रहे हैं हमें छोड़ के। ये जो गवर्नर साहब, क्योंकि ना सिर्फ हमारे दोस्त हैं बल्कि पार्कियू के एक एक्टिव मेंबर भी हैं, और गवर्नर साहब का घर जो है वो ई ब्लॉक का पहला घर है जो कि ई ब्लॉक में बना है। तो गवर्नर साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, पार्कियू पे कॉन्फ्रेंस करने का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि सबसे पहले ई ब्लॉक के अंदर उनका घर कंप्लीट होने के बाद वो सबसे पहले वहां के रिहायशी भी होंगे, पार्ट टाइम रिहायशी होंगे। फुल टाइम रिहायशी नहीं चाहते हम आपको, आपको गवर्नर सिंध ही देखना चाहते हैं, बल्कि इससे भी कोई अच्छी अपॉइंटमेंट में देखना चाहते हैं। लेकिन जब आप इस्लामाबाद आएंगे तो इंशाल्लाह अपने घर में यहाँ पे रहा करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जिन दोस्तों ने आज इनाम जीते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये जो सफर हमने पिछले 3-4 साल से इकट्ठे शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें हमें सुरखरू किया है, लोगों की तवक्कात पे पूरा उतर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं दुबई गया था, वहां पे हमने मुख्तलिफ जो होटल चेन्स है उनके साथ रब्ता किया है। ये वाला जहाँ पे ऊपर बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे हम 5-स्टार होटल लेके आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसके लिए कोई बेहतरीन चेन जो है वो यहाँ पे आएगी। इंशाल्लाह इस एरिया को हम दुनिया के बेहतरीन जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें से एक बनाएंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह के करम से ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का ये सबसे बेस्ट कमर्शियल एरिया होगा इंशाल्लाह। और आप लोगों के तआवुन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोगों ने जिस तरह मेहनत की है पार्कियों के लिए और जिस तरह हम पे कॉन्फिडेंस किया, इंशाल्लाह ताला आपके कॉन्फिडेंस पे हम पूरा उतरेंगे। और यहाँ पे जितने लोगों ने भी मेम्बरान ने इन्वेस्टमेंट की है, इंशाल्लाह ताला उन मेम्बरान की इन्वेस्टमेंट को इसी तरीके से हम सेफ गार्ड करेंगे जिस तरह हम अपने जाती इन्वेस्टमेंट को, ये जाती पैसे को करते हैं। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।